हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय सिंह तंवर। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रिंटिंग गुरु जी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं SPM CIL के सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशंस के एग्जाम के बारे में। दोस्तों ये एग्जाम जो कि SPM CIL यानी कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा लिया जा रहा है। इस एग्जाम के बाद आप अगर आप इसे क्रैक करते हैं तो आप प्रिंटिंग के फील्ड में सुपरवाइजर ऑपरेशंस में आप सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो कि पूरे भारत में टोटल 9 है, यानी कि 9 यूनिट्स सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की टोटल इंडिया में है, जिनमें से एक नासिक रोड की रिक्रूटमेंट आई है, जिसमें सुपरवाइजर की रैंक के लिए आप जैसे सही और ईमानदार साथ ही काबिल लोगों की जरूरत है। लेकिन उससे पहले आपको देना होगा एक एग्जाम जो कि होने वाला है जेन के लास्ट वीक या फेब के फर्स्ट वीक के आसपास, और सभी के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं क्लोज, सिर्फ अब एग्जाम बाकी है, कॉल लेटर आना बाकी है। दोस्तों इसी एग्जाम के बारे में आज हम पूरी बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको इस एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उन्हें किस तरीके से आप क्रैक कर सकते हैं, साथ ही इस एग्जाम से आप अपनी जो ज्वाइनिंग है वो कैसे पक्की कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना देर करें चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। दोस्तों लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर सबसे पहले पाएं नोटिफिकेशन हर वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा कि SPM CIL जो कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये SPM CIL की फुल फॉर्म आप याद कर लें क्योंकि ये दिमाग में होनी चाहिए जब आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो किस एग्जाम की आपको तैयारी करनी, किस डिपार्टमेंट की आपको तैयारी करनी, तो उसका फुल फॉर्म आपको ध्यान होना चाहिए। साथ ही ये क्योंकि नासिक रोड की है जो कि मुंबई के आसपास है, तो आप अगर बहुत ही ज्यादा आपको है कि नासिक रोड या मुंबई के आसपास आपको जॉब चाहिए वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रेस में, तो ये एग्जाम की तैयारी आपको बहुत ही मन से करनी पड़ेगी और इसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी लगेगी। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की जो ये जो पूरा कॉर्पोरेशन है ये किसके अंडर में आता है। दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के अंडर में आता है। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि जो हमारी ऑपरेशनल यूनिट्स हैं सिक्योरिटी प्रेसेस की पूरी इंडिया में वो कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले जो 4 ऑपरेशनल यूनिट्स हैं जिनमें मिंट्स का काम होता है यानी कि कॉइन्स जहाँ ज्यादातर बनते हैं, वो हैं 4 जगह, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। ये 4 जगह हैं जहाँ पर मिंट्स का काम होता है। इसके बाद जो 4 हैं जहाँ पे करेंसी जो हमारी प्रिंट होती है या सिक्योरिटी प्रेसेस जो है बेसिकली, वो है नासिक, देवास, हैदराबाद और होशंगाबाद। और जो 9th यूनिट है वो पेपर मैन्युफैक्चरिंग की है, जहाँ वो भी होशंगाबाद में ही है। और ये 9वीं यूनिट में स्पेशल पेपर जो सिक्योरिटी, अपने जितनी भी सिक्योरिटी पेपर्स तैयार होते हैं, करेंसी हो, चाहे वो लीगल डॉक्यूमेंट्स हो, बैंक नोट्स हो, स्टाम्प पेपर्स हो, बहुत सारे सिक्योरिटी के जो आइटम्स होते हैं वो उनका जो पेपर है वो तैयार हो रहा है होशंगाबाद की यूनिट में। तो ये 9 यूनिट्स हैं जो कि SPM CIL के अंडर में आती हैं। तो दोस्तों इन्हीं 9 यूनिट्स में से एक नासिक रोड की रिक्रूटमेंट इस साल सबसे पहले आई है। इसमें 3 पोस्ट हैं, वेलफेयर ऑफिसर जो कि लेवल A2 है, और साथ ही सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशंस में जो कि लेवल S1 है, और जूनियर ड्राफ्टमैन की M3 लेवल से, ये 3 जो मेन पोस्ट्स हैं इनकी लिए वैकेंसीज आई हैं। हम बात करने वाले हैं सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशंस जो कि बेसिकली प्रिंटिंग के लिए बने हुए हैं, यानी कि प्रिंटिंग के स्टूडेंट्स जो कि डिप्लोमा या BTech कर चुके हैं बेसिकली उनके लिए। हम स्पेशली बात करने वाले हैं आज के एपिसोड में सिर्फ सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशंस जो कि प्रिंटिंग के स्टूडेंट्स के लिए है, प्रिंटिंग जो कि डिप्लोमा इन प्रिंटिंग कर चुके हैं या BTech इन प्रिंटिंग कर चुके हैं, राइट नाउ जॉब्स करीब 2 से 3 साल का उनके पास एक्सपीरियंस हो मिनिमम, तो उनके लिए एग्जाम बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अगर वो देना चाहते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। इसके बाद उन्हें सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में काम करने का मौका मिल सकता है अगर वो इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं तो। इसके बाद दोस्तों क्योंकि रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं तो रजिस्ट्रेशन की बात मैं यहाँ नहीं करने वाला हूँ। तो अब हम बात करेंगे कि वैकेंसीज कितनी हैं हमारे पोस्ट के जो कि सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशन और सुपरवाइजर टेक्निकल कंट्रोल में है। तो टेक्निकल जो ऑपरेशंस में है उनमें टोटल 8 सुपरवाइजर्स के लिए रिक्रूटमेंट आई है। इसमें जो स्केल पे है वो करीब 26,000 से लेकर 1,00,000 तक की है, और ये जो 8 जो पोस्ट हैं इनमें रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग 2 पोस्ट OBC के लिए रिजर्व्ड हैं, और इकोनॉमिकल वीक जो है वो उनके लिए 1, और अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी के लिए 5 पोस्ट। तो टोटल ये 8 पोस्ट टेक्निकल ऑपरेशंस में हैं, और साथ ही जो सुपरवाइजर टेक्निकल कंट्रोल में जो है वो 7 पोस्ट हैं जिनमें 1 ST और 1 OBC, 1 EWS,
और 4 जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, टोटल 7। तो ये देखा जाए तो 7 और 8 लगभग 15 जो वैकेंसीज है वो प्रिंटिंग के स्टूडेंट्स के लिए है। तो कॉम्पिटिशन बहुत है, मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको इस एग्जाम के लिए रणनीति तैयार करने में मदद कर पाऊं, तो जिससे कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो अपने एग्जाम को क्रैक करने में। तो अब दोस्तों बात करते हैं एज लिमिट की, जो इस एग्जाम के लिए डिसाइड की गई है। सुपरवाइजर S1 लेवल के लिए 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट डिसाइड की गई है, जिसमें कि कैंडिडेट्स जो कि 22/12/1990 से पहले और 21/12/2002 के बाद ना जन्मे हो, यानी कि इन दो डेट्स के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो इस एग्जाम को देने के एलिजिबल हैं। साथ ही इसमें जो रिलैक्सेशन है अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन वो है यहाँ पे ST और SC के लिए 5 साल का और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल का, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए 10 साल और पर्सन विद डिसेबिलिटीज SC और ST में 15 साल और OBC के लिए 13 साल। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई एज बार नहीं है यहाँ पर, वो कभी भी कितनी बार भी एग्जाम दे सकते हैं और अपनी जो भी ये रैंक है इसको बढ़ा सकते हैं। यानी कि ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल जो इसमें है वो जो इस डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं किसी नीचे लेवल पे या कहीं भी, तो उनके लिए एग्जाम देना मतलब बहुत ही उनके लिए ईजी कर रखा है कि उनको कोई एज बार नहीं है। साथ ही अब हम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो जो हमारे सुपरवाइजर लेवल के लिए जो इन्होंने मांगी है रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मांगी है वो S1 लेवल यानी कि टेक्निकल ऑपरेशंस के लिए जो मांगी है, फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि फर्स्ट डिवीजन से आपका जो डिप्लोमा है इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वो होना चाहिए। साथ ही अगर आप हायर क्वालिफिकेशन ले चुके हैं यानी कि BTech या BE इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कर चुके हैं तो उसे भी कंसिडर किया जाएगा, यानी कि बहुत ही बढ़िया अगर आपने BTech या BE कर चुके हैं। इसके बाद सुपरवाइजर टेक्निकल कंट्रोल में भी सेम जो क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है, आपका फर्स्ट डिवीजन में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर BTech या BE का आप कर चुके हों तो वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये दो बेसिक क्वालिफिकेशन है जो कि आपको वैसे भी पहले से मालूम होगी, नहीं तो मैंने अभी आपको बता दिए। तो जो स्टूडेंट्स, मेरा मानना है कि जो अभी इन कॉलेजेस में हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं प्रिंटिंग की, तो उनके लिए अभी से बेहतर होगा कि अगर आप अभी से इस एग्जाम के लिए तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि जब आप एक बार पढ़ाई पूरी कर लेते हैं और उसके बाद इंडस्ट्री में आते हैं तो अक्सर आपको समय नहीं मिल पाता है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का। तो मुझे लगता है कि जब अगर आप अभी भी डिप्लोमा इन प्रिंटिंग कर रहे हैं या BTech इन प्रिंटिंग कर रहे हैं तो इस एग्जाम की तैयारी आप अभी से शुरू करेंगे तो आपको ये एग्जाम इतना मुश्किल नहीं लगेगा। तो दोस्तों आगे बढ़े हम, और इसमें जो एग्जाम है वो किस तरीके से आएगा, उसका पैटर्न क्या है, सेक्शन वाइज कैसे कैसे क्वेश्चन और उनके मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। टोटल 2 आवर्स का एग्जाम होगा जिसमें 120 क्वेश्चंस होंगे। 120 क्वेश्चंस को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, जैसे कि पहला पेपर जो आपका होता है वो प्रोफेशनल नॉलेज का होता है। प्रोफेशनल नॉलेज जो कि सुपरवाइजर लेवल के लिए जो होती है वो आपके जो यानी कि जैसे अपन प्रिंटिंग का जो आप प्रिंटिंग का एग्जाम दे रहे हैं उसमें प्रोफेशनल नॉलेज में टोटल आपके प्रिंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो प्रोफेशनल नॉलेज की जो टोटल क्वेश्चन है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 72 और 1 मार्क ईच आपका हर क्वेश्चन का जो जवाब है अगर आपको सही होता है तो वो 1 नंबर आपको देता है, यानी कि टोटल 72 क्वेश्चन 72 मार्क्स। तो अगर आप प्रिंटिंग में बहुत अच्छे हैं, आपकी नॉलेज प्रिंटिंग के लिए बहुत अच्छी है तो आप ये जो क्वेश्चन 72 क्वेश्चन तो बहुत इजीली कर पाएंगे। इसके बाद दूसरा जो आपका जो एग्जाम इसमें है टेस्ट है वो जनरल अवेयरनेस का है। तो जनरल अवेयरनेस जो टॉपिक है उसमें आपके GK से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, जिसमें कई ऑर्गेनाइजेशन के फुल फॉर्म आते हैं या जो रिसेंटली में कुछ बड़ा काम होता है या किसी को कोई अवार्ड मिलता है या किसी का कहीं भी किसी तरीके का बड़ा नाम होता है तो उसके बारे में आपको क्वेश्चन पुटअप होता है, यानी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो जनरली आपको आपने देखे या सुने होते हैं। अगर आपने इस GK आप रेगुलरली पढ़ते हैं तो बहुत ईजिली आप इसको कर सकते हैं। साथ ही जनरल अवेयरनेस में एक चीज बहुत ही कॉमन है कि बहुत से जैसे 12 क्वेश्चन है, 12 में से लगभग 4 या 5 क्वेश्चन बैंकिंग से ही आते हैं, तो अगर आप बैंकिंग की न्यूज को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं या ध्यान रखते हैं तो वो एग्जाम में आप सही टिक कर सकते हैं। मतलब ये बहुत जरूरी है कि बैंकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप अपडेट करें। साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज का 3rd पेपर होगा जिसमें वही 12 क्वेश्चन होंगे 12 मार्क्स के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही जनरल जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी होती है बिल्कुल वैसी ही इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस होते हैं, तो आप
जो भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी पहले से कर रहे हैं तो आपके लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर है वो इजी होगा, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं या इसी एग्जाम के लिए आपने शुरू किया तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव बुक से इंग्लिश की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो इंग्लिश के सिलेबस होते हैं उन्हीं में से आप पढ़ के ये 12 क्वेश्चन कर सकते हैं। साथ ही चौथा लॉजिकल रीजनिंग होता है। लॉजिकल रीजनिंग में आपको आपके आपके ब्रेन के हिसाब से एग्जाम लिया जाता है, आपके ब्रेन को टेस्ट करने के लिए कि आप किस तरीके से पजल्स को या पजल्स जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी 12 क्वेश्चन होंगे और 12 मार्क्स के लिए होंगे। पांचवा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। ये इसमें काफ़ी सारी मैथ्स इंक्लूड होती है, तो मैथ्स अगर आपकी अच्छी है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो आपको इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें भी 12 क्वेश्चन होंगे 12 मार्क्स के लिए। अब क्योंकि अगर हम सोचें कि 72 तो सिर्फ प्रिंटिंग के लिए हैं और बाकी 48 आपके बाकी रेस्ट ऑफ के लिए हैं, तो क्यों ना हम प्रिंटिंग में ही मेहनत करें तो उसमें मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इन सभी पांचों में एवरेजली 55% से ऊपर मार्क्स आपको लाने होंगे तभी आप उसके लिए एलिजिबल हो ज्वाइन के लिए, यानी कि उसमें मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको सभी पांचों में 55% से अबव मार्क्स लाने जरूरी है। उसके बाद जो ये जनरल कैटेगरी के लिए है कि 55% से अबव, ओबीसी के लिए आपको 50% से अबव और एससी एसटी कैटेगरी 45% से अबव, सभी में सभी जो पेपर्स हैं उनमें आपको लाने होंगे। यानी कि अगर आपका 72 मार्क्स का प्रोफेशनल नॉलेज का है तो अराउंड 40 मार्क्स से अबव आपको नंबर लाने होंगे, और साथ ही जनरल अवेयरनेस है तो 6 नंबर से ज़्यादा लाने होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज तो 6 नंबर से ज़्यादा। इस तरीके से आपको सब में करीब करीब 120 नंबर में से आपके आपके टोटल अगर 55% लें तो करीब 70 नंबर्स मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी एलिजिबिलिटी के लिए। इसके बाद इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक भी गलत आंसर का आपका नंबर नहीं कटता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर हमने सारे टिक कर दिए, कहीं गलत टिक कर दिया तो उसके नंबर कटेंगे, तो वो बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई करिए और बहुत ही इसको एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को आप कोशिश करिएगा कि आपसे छूटे नहीं। साथ ही ये जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट होगा टोटल 9 जगह, यानी कि पूरे देश में 9 जगह ही एग्जाम सेंटर्स आएंगे जिनमें से किसी एक को आपने चुना होगा। नासिक, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, कोलकाता, भोपाल, हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई, ये 9 जगह हैं, इन्हीं में से किसी एक पर आपका सेंटर आएगा। अगर आपने कोई एक चूज़ किया है, मानो दिल्ली आपने चूज़ किया है, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपका दिल्ली में आएगा, मोस्ट प्रायोरिटी आपकी दिल्ली के लिए ही चुनते हैं, लेकिन कई बार सेंटर्स की सेंटर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए आपको किसी दूसरी स्टेट में या दूसरी सिटी में आपको जगह दी जाती है। तो इसलिए अब हम आते हैं कि बहुत सारे मेरे दोस्तों का, मेरे सब्सक्राइबर्स का ये सवाल था कि कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी कहाँ से हम मेटल लाएं जो हमें इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में मदद करें। तो अब मैं सिर्फ इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि आपको क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो जैसा कि इसमें फॉर्म में सब कुछ हो चुका है, ऑलमोस्ट आपने भी पढ़ाई होगा, और ये हाँ, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी डिटेल्स आपको अगर पढ़नी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं ये जो इसकी पीडीएफ है मैं उसमें डाल रहा हूँ, तो वहाँ से आप जाके डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही उसे पूरा पढ़ सकते हैं। एग्जाम से पहले एप्लीकेशन फॉर्म को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार बहुत छोटी सी चीज़ आपके लिए दिक्कत क्रिएट कर सकती है अगर आपको वो पता नहीं होती है। तो अब बुक के लिए काफ़ी सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे दोस्त हैं जो प्रिंटिंग स्टूडेंट्स हैं, वो पूछ रहे थे कि कौन सी बुक। तो मैं सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, ऐसा कोई नहीं है कि इसी बुक से आपको पढ़ना चाहिए या इसी बुक से सब कुछ करना चाहिए। मैं सिर्फ, मेरा एक सजेशन है कि अगर आप स्पेशली SPM CIL की बुक ढूंढ रहे हैं तो आप GK भी, जो एक GK पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, उनकी एक बुक है SPM CIL करेंसी नोट प्रेस नासिक रोड सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशंस की रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2017, क्योंकि इनकी यही बुक है और ये अपडेट होती रहती है। तो इसमें पर्टिकुलरली इसी एग्ज़ाम के हिसाब से सिलेबस को चूज़ किया गया है। तो अगर आप चाहें तो इस बुक को मेरी तरफ से रिकमेंडेशन समझें कि आप इसे ले सकते हैं, वरना कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की बुक आप ले सकते हैं और उससे ये जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी सिलेबस है, वो आप कवर कर सकते हैं। जैसे कि अरिहंत की भी काफ़ी सारी बुक्स आती हैं, लूसेंट की आती हैं, बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको इजी लगे, जिनकी भी आपको बुक की सिलेबस अच्छा लगे, आप ले सकते हैं बेक ऑफ। और साथ ही मुझे लगता है ऑनलाइन स्टडीज़ भी बहुत ईजी हो गई हैं आजकल, तो आप ऑनलाइन भी इन सब सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस होता है, वो ईजीली आपको मैं इस पर टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा, और उसी से रिलेटेड आप ऑनलाइन जाकर क्लासेस ले सकते हैं। अलग अलग बहुत सारे हैं जो कि आपको स्पेशली कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी करवाते हैं। अब दोस्तों साथ ही अब बात आती है कि प्रिंटिंग की तैयारी आप कैसे करें।
दोस्तों सबसे पहला जो मेरा और सबसे मैं कहूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मेरा सजेशन है वो आपको ये है कि जैसा कि आपने डिप्लोमा इन प्रिंटिंग करी है, आपने वहाँ 3-3.5 साल जो भी आपने बिताए उनमें आपने वो आपके पास काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल वहाँ से इकट्ठा होता है, काफ़ी कुछ ब्रेन में आपके होता है, काफ़ी कुछ हार्ड कॉपीज में होता है। तो जो भी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी या आपके जो भी ब्रेन में है उसे आपको रिकॉग्नाइज करना है, दोबारा से आपको रिमाइंड करना है। साथ ही जो आपके पास हार्ड कॉपीज पड़ी हैं जो भी प्रिंटिंग की रखी है उन्हें आप दोबारा से पढ़ें, दोबारा से पूरा एनालिसिस करें, बहुत ही ध्यान से पढ़ें और उनको, क्योंकि ये जो 72 क्वेश्चंस हैं या प्रिंटिंग का जो भी पेपर होता है उसमें ऑलमोस्ट 80% आपके डिप्लोमा इन प्रिंटिंग के स्टडी मटेरियल से पेपर आता है। साथ ही जो बीटेक कर चुके हैं उनके लिए तो और भी ईजी है, क्योंकि बीटेक के लगभग 10-20% के क्वेश्चन इस एग्जाम में आते हैं और बाकी के डिप्लोमा इन प्रिंटिंग के आते हैं, तो ऑलमोस्ट बीटेक वालों के लिए तो 100% सिलेबस आपके बीटेक के सिलेबस के बराबर है, तो वहाँ का जो स्टडी मटेरियल आप उसे पढ़ सकते हैं। मेरी तरफ से जो भी मैं क्वेश्चंस अवेलेबल करा पाऊंगा वो मैं टेलीग्राम चैनल पे करा पाऊंगा, जिसका लिंक आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं और साथ ही इस वीडियो के इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में भी नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो टेलीग्राम पे जाकर उसे ज्वाइन कीजिए चैनल को और वहाँ पर डेली मैं अपडेट उसमें डालने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत आसानी हो, बहुत ही जल्दी आप इस एग्ज़ाम को, मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ ताकि आप जल्दी ही इस एग्ज़ाम को क्रैक करें और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में लगें। तो SPMCL का जो नासिक रोड का एग्ज़ाम है ये जल्द ही होने वाला है, जल्द ही आप लोगों के पास कॉल लेटर्स आने वाले हैं, एग्ज़ाम की डेट आने वाली है, तो तैयारी आपको बहुत ही ध्यान से करनी होगी और साथ ही कम्पिटिटिव एग्जाम के जो 4 टॉपिक्स जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज और लॉजिकल रीजनिंग, इनकी तो आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की या खासकर बैंक PO की जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी अगर आप फर्स्ट लेवल की बुक्स ले लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो उसमें भी सेम सिलेबस होता है आपके इस सिलेबस से। और प्रिंटिंग के लिए जो मैंने बताया कि स्टडी मटेरियल जो भी आपके पास रखा हुआ है सबसे पहले आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसे पढ़ें, बाकी ऑनलाइन और ऑफलाइन काफ़ी सारी चीज़ें प्रिंटिंग की आपको मिल जाएंगी पढ़ने को और कुछ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको भेजूंगा। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं तक था, SPMCL नासिक रोड एग्जाम के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले सोमवार, तब तक के लिए नमस्कार।